किसी एक शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था, जो एक बहुत ही सफल उद्योगपति था। अचानक किसी परेशानी से उसका बिजनेस डूब गया और उस पर बैंक का कर्जा भी हो गया, और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। बैंक और सारे लेनदार उसे लगातार पैसे की भरपाई के लिए बोल रहे थे। अब तो उसे अपनी जिंदगी अंधेरे में नजर आ रही थी। वह व्यापारी एक सुबह पार्क में घूमते हुए एक बूढ़ा व्यक्ति उसको दिखाई दिया। वह बूढ़ा उसके पास आया और उसे परेशान देखकर उससे परेशानी का कारण पूछा। बिजनेसमैन ने सारी परेशानियां उस वृद्ध को बताई। यह सुन वह बूढ़ा अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और एक चेक साइन करके उसको दे दिया और कहा कि इससे तुम अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हो और एक साल बाद मुझे ठीक इसी जगह इसी समय पर मिलना और मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। यह बोलकर वह बूढ़ा दूर चला गया। अब वह बिजनेसमैन ने अपने हाथ में रखे चेक पर नजर डाली तो वह हैरान था, क्योंकि वह बूढ़ा कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। उस चेक पर वॉरेन बफेट के साइन थे और चेक की रकम $1,00,000 थी। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ कि खुद वॉरेन बफेट ने आकर मेरी परेशानी हल की है। फिर उसने सोचा कि यह रकम बैंक और लेनदारों को देने की बजाय वो पहले अपने बिजनेस को बचाने के लिए संघर्ष करेगा और इमरजेंसी में ही उस चेक का उपयोग करेगा। अब तो बिना किसी डर के वह फिर से अपना बिजनेस बचाने में जुट गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई परेशानी होगी तो मैं चेक की मदद से बच सकता हूँ। बस फिर क्या था, उसने जीत और मेहनत की और एक बार फिर से अपने बिजनेस को वापस खड़ा कर दिया। आज उस बात को 1 साल पूरा हो चुका था और वह चेक भी आज तक ऐसे ही सलामत था। अपना वादा पूरा करने के लिए बिजनेसमैन जब पार्क में गया तो उसने वहां वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके पास आया, अचानक एक नर्स आई और वह वृद्ध को पकड़ के ले गई और वह नर्स ने कहा कि यह एक पागलखाने से भागा हुआ पागल है जो खुद को हमेशा वॉरेन बफेट बताता है। यह कहकर नर्स वृद्ध को लेकर चली गई। अब वह आदमी एकदम से आश्चर्य में था, क्योंकि वह बूढ़ा ना तो बफेट था और ना ही वह चेक असली था जिस पर उसे इतना भरोसा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि उसने आज एक नकली रकम की वजह से जागे अपने आत्मविश्वास से आज सफलता प्राप्त कर ली, जबकि वह पैसा कुछ था ही नहीं। तो मित्रों, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस अपना आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। और एक बार जब आप आत्मविश्वास भरपूर हो जाए तो दुनिया में कोई बंदिश आपको नहीं रोक सकती।